नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, में हूं पिनास त्यागी। हमारे खास कार्यक्रम रहस्य में आपका स्वागत है। कई बार आस्था और इत्तेफाक इतने करीब आ जाते हैं कि उन पर यकीन ना कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और आज हम आपको ले चलेंगे आस्था के एक ऐसे ही दर पर, कश्मीर का एक ऐसा मंदिर जिसे लेकर एक हैरान कर देने वाला दावा मिलता है। कहा जाता है कि घाटी में आफत का संकेत एक कुंड दे दिया करता है, तो आखिर सच क्या है? साल 1999 का करगिल युद्ध, जब हिंदुस्तान पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की काली नजर पड़ी, जब उसने हिंदुस्तान के ताज पर कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंकी, और जब हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने सीमा के असीम अनुशासन में बंद कर दिए दुश्मनों को धूल चटा दी थी। पाकिस्तान की नापाक नजरों में बारूद झोंक दी थी, तब कश्मीर पर पड़ी काली नजरों से एक कुंड भी काला पड़ गया था क्या? साल 2014, जब आसमान से कश्मीर में कयामत बनकर उतरी थी आफत, घाटी के कोने कोने को बहाली जाने पर नदियां आमादा थी, तब सैलाब से ही जंग लड़ने के लिए उतर गई थी भारतीय सेना, तब भी एक पवित्र कुंड के पानी ने रंग बदला था क्या? जब घाटी के चंद भटके हुए नौजवान घाटी का ही सीना छलनी करने पर आमादा है, जब घाटी में आतंक से छिड़ी हुई है सबसे भीषण जंग, तब भी एक पवित्र कुंड कुछ इशारा कर रहा है क्या? आखिर एक कुंड के सतरंगी पानी की पहेली क्या है? आखिर कुंड के पानी के रंग बदलने और घाटी पर विपदा आने का इत्तेफाक क्या है? आखिर घाटी पर विपदा की भविष्यवाणी करने वाले कुंड का राज क्या है? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने रुख किया धरती के जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर का, जहां श्रीनगर से करीब 25 किलोमीटर दूर गांधरबल जिले के तुलमुला इलाके में खीर भवानी मंदिर है। मैं इस वक्त श्रीनगर में हूं, जिसे धरती पे जन्नत कहा जाता है, और आज मैं आपको इसी धरती के ईश्वर के दर तक ले चलूंगा। कहते हैं कि गांधरबल में आज भी एक अजूबा दिखता है। अजूबा है कुदरती आफत की भविष्यवाणी का, और आज हम इसी राज की पड़ताल करेंगे। तेरे द्वारे खान पड़ा में। श्रीनगर से शुरू हुआ हमारा सफर हमें घाटी के उस हिस्से में ले गया, जहाँ जाने कब से आस्था का दरबार सजता रहा है। जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में तुल्ला मुल्ला गांव मिलता है, और गांव में ही माँ दुर्गा को समर्पित एक मंदिर मिलता है। चारों ओर चिनार के पेड़ और नदियों से घिरा एक ऐसा मंदिर जिसमें भक्तों की गहरी आस्था मिलती है। कहते हैं कि आस्था के इसी दर पर एक अजूबा मिलता है। हम खीर भवानी मंदिर पहुंच चुके हैं, और खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल अगर कोई है तो वो यही टेम्पल है। गांधरबल के तुलमुला इलाके में ये टेम्पल जो है वाका है, और यहाँ पर हर साल जो है फेस्टिवल रखा जाता है। ये हिंदू गॉडेस की अगर हम बात करें, अगर हम माता की बात करें तो रंग्या देवी का टेम्पल है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो वो यहाँ पर एक पानी जिसको तुलमुल कहते हैं, वहाँ पर एक स्प्रिंग है, पानी का स्प्रिंग, उसकी बहुत अहमियत है, और उसी पानी के बारे में हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे वो पानी जो है हर एक, पहले तो वो रंग बदलता है, और अगर कोई डिज़ास्टर आने वाला होता है तो उसकी आशंका ये पानी यहाँ का पहले ही दे देता है। दावा किया जाता है कि माता का ये मंदिर बेहद खास है। मंदिर के कुंड में अजूबा छिपा है, कुंड का पानी भविष्यवाणी करता है, घाटी पर आफत का संकेत देता है। कभी कुंड का पानी लाल हो जाता है, कभी कुंड का पानी काला पड़ जाता है। आखिर इसी राज की पड़ताल में न्यूज नेशन ने भी माता के दर की दहलीज पर कदम रखा, जहां माँ खीर भवानी की मूर्ति मिलती है।
जिस मंदिर में हर पहर घंटा घड़ियाल के साथ मंत्र गूंजते रहते हैं, और उसी दर पर जमीन से फूटा पानी का एक सोता भी मिलता है, जिसका पानी हर आफत में रंग बदलता है। हम इस वक्त खीर भवानी मंदिर के अंदर है, जहां पर एक तरफ तो पूजा हो रही है, दूसरी तरफ अजान की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। यहां पर लोग जो हैं पूजा कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कैसे दिए लगा रहे हैं ये लोग, ये जो मंदिर है उसके सामने, और साथ ही ये लोग जो हैं अर्पण करते हैं इस पानी में जो यहाँ पर मौजूद है उसमें दूध और शक्कर। इसीलिए इस मंदिर का नाम जो है खीर भवानी पड़ा है, क्योंकि जो खीर उस टाइम पे महाराजा के टाइम पे कश्मीर में कॉन्सेप्ट नहीं था खीर का, इसलिए लोग जो हैं शक्कर और दूध अर्पण करते थे माँ को, और अभी भी हम देख रहे हैं कि वो ट्रेडिशन बरकरार है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर के पानी ने हर आफत की भविष्यवाणी की है। हर आपदा से पहले पानी रंग बदलता है, और यही वजह है कि खीर भवानी माता कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी कहलाती है। पौराणिक मान्यता कहती है कि इस मंदिर का अस्तित्व 6000 साल पहले आया, और इसकी कथा जुड़ी है रावण से। कथा है कि देवी राग्न्या प्रतापी पंडित रावण की तपस्या से खुश होकर उसके सामने प्रकट हुई, और माता के निरंतर आराधना के लिए लंकेश उन्हें अपनी सोने की लंका में ले गया। देवी की प्रतिमा स्थापित की, लेकिन असुर की लंका माता को रास नहीं आई। रावण के अनैतिक तौर तरीकों से नाराज होकर राग्न्या देवी ने राम भक्त हनुमान को उनका आसन श्रीलंका से कश्मीर स्थानांतरित करने का आदेश दिया। कहते हैं कि तब माता राग्न्या ने शिला का रूप धारण कर लिया था, और राम भक्त हनुमान उन्हें अपने हाथों में उठाकर कश्मीर ले आए थे। मान्यता कहती है कि जिस जगह देवी राग्न्या विश्राम कर रही थी वो जगह बाद में उपेक्षा की शिकार हो गई। तब देवी ने कश्मीरी पंडित को नाग के रूप में दर्शन दिया, और पंडित को उस जगह पर लेकर गई जहां उनका स्थान था। जब लंका में रावण जी ने ये हनुमान जी ने आग लगाई थी, तब हनुमान जी के ही सपने में ये माता आई थी, बोला था कि मुझे कश्मीर ले जाओ, और उसने ये शिफ्ट करके, या आप देख सकते हैं ये माता का कलर भी काला है, बेसिकली शी वॉज इन मद्रास वहाँ साउथ की, फिर यहाँ से आई तो यहाँ पे उसको स्थापित किया। इट्स लॉन्ग बैक, बचपन से जब से हम पैदा हुए हैं वी हैव बीन कमिंग टू दिस प्लेस, और यहाँ का कुछ अलग ही है कि वी वॉन्ट टू कम हियर। कहते हैं कि इसी के बाद से माता को खीर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, लोग दूध और शक्कर चढ़ाने लगे, माता को खीर भवानी माता कहकर बुलाने लगे। लेकिन वक्त ने करवट ली और कश्मीर पर संकट के बादल छाने लगे, तो एक कुंड के पानी ने सबको हैरान करना शुरू कर दिया। खीर भवानी माता के मंदिर में कुंड ने खुद ब खुद पानी का रंग बदलना शुरू किया, और वो भविष्यवाणी इतनी सटीक होती गई कि पूरा कश्मीर कुंड के इस पानी पर यकीन करने लगा, भरोसा करने लगा। इस पानी में लोग आने वाले वक्त देखने लगे, आती हुई आफत से सचेत होने लगे। तो हमारे सामने अब सवाल था कि आखिर कुंड के पानी में कब कब आपदा की भविष्यवाणी हुई है, और कब कब ये भविष्यवाणी हकीकत में साबित हुई है। सवाल तो आज का भी बनता है। सवाल है कि जब घाटी में आतंक से महाजंग छिड़ी हुई है, तो ऐसे हालात में मंदिर का ये कुंड क्या कुछ कह रहा है। वाकई गांदरबल के इस पवित्र दर से घाटी पर आने वाली आफत की भविष्यवाणी छलकती है। हमने इस मंदिर में एक ऐसे वक्त में कदम रखा था जब कश्मीर में आतंक से महासंग्राम छिड़ा था। हिंदुस्तान के ताज पर नापाक नजरें रखने वाले एक के बाद एक ढेर हो रहे थे। पाकिस्तान के बहकावे में आकर कश्मीर को छलनी कर रहे आतंकी खैर मना रहे थे, और तब दावे के मुताबिक माता खीर भवानी के मंदिर का पानी हमें अपने शांत स्वरूप में मिला।
इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जो यहाँ पर वाटर स्प्रिंग है वो रंग बदलता है। अगर इस वक्त की बात करें तो पानी का रंग जो है ब्लू है, ग्रीनिश ब्लू है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। और कहा जाता है कि ये सीरेनिटी, ये पीस का कलर है तब, और हालात जो हैं पीसफुल कश्मीर में रहने वाले हैं। मान्यता कहती है कि इस मंदिर के इस कुंड का पानी जब भी काला पड़ जाता है, यहाँ के लोग किसी बड़ी अनहोनी को लेकर पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। जबकि इस कुंड का पानी जब बिल्कुल साफ हो जाता है तो इसे शुभ संकेत मानकर लोगों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के नीचे बहने वाले इस पवित्र झरने के रंग से घाटी के हालात का संकेत मिलता है, और इस वक्त कुंड का पानी परम शांति का इशारा कर रहा था। तो हम इस कलर को हम वो कहते हैं, ये लाइट ब्लू कलर है, ये सबसे अच्छा कलर है, बड़ा सुंदर कलर है, ये ऐसा कलर है जैसे आकाश है, आसमान का, आसमानी कलर बोलते हैं हम इसको। वैसे हम डोगरी में आसमानी बोलेंगे इसको, लेकिन ये इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट ब्लू कलर। ये सबसे शांति का है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कलर देख के लग रहा है, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, माता की मर्जी से बता देता हूँ जो माता की कहना है, कि अब कश्मीर में शांति हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त शांति होगी। वो ऐसी शांति होगी कि कश्मीरी पंडित भी सारे कश्मीर में आ जाएंगे। आखिर न्यूज नेशन ने कुंड का पानी देखा, कुंड के पानी की भविष्यवाणी में लोगों की आस्था देखी, लेकिन हमें वो सबूत नहीं मिला जो बता सके कि पानी का रंग कब बदला था। आखिर हमने मंदिर प्रशासन से पूछताछ की, भक्तों से पूछताछ की, लेकिन मंदिर में एक भी ऐसी तस्वीर नहीं मिली जिसमें पानी का रंग लाल दिखता हो या फिर पानी का रंग काला दिखता हो। लोगों का कहना है कि ये माता का अशुभ संकेत होता है और अशुभ संकेत को अपने पास नहीं रखा जा सकता। लेकिन हमने सबूत तक पहुंचने की कोशिश छोड़ी नहीं, हमने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई, हम लोकल लोगों तक भी पहुंचे, और आखिर हमारे हाथ जो तस्वीर लगी वो वाकई हैरान कर देने वाली है। दावा किया जाता है कि ये वो तस्वीर है जिनमें घाटी का भविष्य कैद है, उनके कुदरती आफत का संकेत दर्ज है। इसमें एक तस्वीर में कुंड का पानी काला नजर आता है तो एक तस्वीर में कुंड का पानी लाल नजर आता है। दावा किया जाता है कि यही वो संकेत है जिसने हर आपदा की भविष्यवाणी की। जब करगिल में जंग छिड़ी थी तब कुंड का पानी लाल हो गया, जब घाटी में सैलाब आया तब कुंड का पानी काला हो गया। कुंड ने हर वक्त आगाह किया, हर बार आगाह किया। ये देखा है कि जहां पर जब बाढ़ आई थी कश्मीर के अंदर तो 28 फुट पानी लाल चौक में आ गया था, तो बहुत हमारा कश्मीर का नुकसान हुआ था। तो उसी समय जब बाढ़ आया तो इसका कलर माता का जो था जल का वो सफेद था, उसी समय काला हो गया। तो ये कलर जो है कम से कम एक महीना काला ही रहा, जब तक बाढ़ की सफाई नहीं हो गई, जब तक पानी जो हमारे कश्मीर में सब सफाई साफ सुथरा नहीं हो गया, तब तक इसका कलर ब्लैक रहा। हमारे सामने कुंड के पानी की रंग बदलने वाली तस्वीरें थी, हमारे सामने पानी बदलने की तस्वीर के दावे थे। हमें नहीं पता था कि कुंड के पानी की तस्वीरों का दावा कितना सच्चा है, लेकिन कहते हैं कि हिंदू हो या मुस्लिम, इस दर पर हर मजहब की आस्था का रंग पक्का है। सब देखते हैं, क्या हिंदू हो क्या मुसलमान हो, जहाँ पर मुसलमान भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुसलमान लोग इसमें भी दूध डालते हैं, इसको भी बड़ा मानते हैं। खीर भवानी मंदिर की ये एक ऐसी पहेली है जिसे कभी विज्ञान के नजरिए से देखा नहीं गया, या फिर यूं कहें कि इस अजूबे से भी दूरी बनाकर रखी गई। लेकिन विज्ञान कहता है कि किसी भी सोते या स्प्रिंग का पानी रंग बदल सकता है। धरती के नीचे दबे मिनरल धरती के नीचे से आते पानी को लाल भी कर सकते हैं और काला भी कर सकते हैं। इसकी एक मान्यता है कि एक नेचुरल है, दूसरा इसका रंग चेंज होता है। वो मैंने अपनी आंखों से, आई हैव बीन हियर लास्ट फॉर 30 इयर्स,
मैंने देखा कि जब कारगिल वार हो गया, कारगिल वार से पहले कोई 10-15 दिन पहले टोटल ब्लैक था, इवन कि सारे गाँव वाले आगे देखने की ब्लैक रंग है। अच्छा, उसके बाद जब सैलाब आ गया, सैलाब से पहले इसका टोटल रेड था, इवन लेक्स वाटरवेज वाले आए, उन्होंने कहा कि ये शायद एल्गी है, दे टुक द सैंपल, उन्होंने कहा फिर उन्हें नहीं एल्गी नहीं है। अच्छा, तीसरी मान्यता मैं बताऊँ कि ये एक स्प्रिंग है, ना इसमें आप कोई फिश देखोगे, ना मेंढक देखोगे, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन कोई नहीं जानता कि पानी के रंग बदलने का इत्तेफाक से कैसा नाता है। अगर लोगों का दावा सच है तो इस कुंड ने 1947 में कश्मीर पर कबायली आक्रमण के वक्त रंग क्यों बदला था? अगर कश्मीरी पंडितों के दावे सच हैं, तो इसने 1990 में बड़े पैमाने पर पलायन के वक्त रंग क्यों बदला? 1999 के करगिल जंग से पहले ये कुंड लाल क्यों हो गया था? घाटी में आए सैलाब से पहले कुंड का पानी काला क्यों पड़ गया था? ये बात अलग है कि घाटी की आए दिन खिसकती चट्टानों के बीच यह आस्था आज भी अटल खड़ी है, जो घाटी के लोगों को सुकून के दिन बताकर सुकून दिला जाती है, तो अपने रंग बदल कर आगाह भी कर जाती है। तो ये मान्यता घाटी की है। कहा जाता है कि माँ खीर भवानी का कुंड उन्हें हर खतरे से पहले ही आगाह करता है। और अब आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर में ही आस्था के एक और दर पर। आस्था का यह दर है चमलियाल बाबा की दरगाह। कहते हैं इस दरगाह की मिट्टी में ही चमत्कार बसता है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बनी एक ऐसी दरगाह जो आज भी 20,000 से ज्यादा भारतीयों और पाकिस्तानियों को एक करती है। एक ऐसी दरगाह जहां हर साल जून में उर्स का मेला लगता है। बाबा दलीप सिंह मनहास के जयकारे लगते हैं जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के फ्रंट लाइन पर दोनों मुल्कों के भक्त मिलते हैं। कुछ सूफी संत के दर्शन की आस लिए तो कुछ रोगों से मुक्ति की उम्मीद लिए। जहाँ पे साइंस फेल हो जाती है, जहाँ पे डॉक्टर फेल हो जाते हैं, वहाँ पे बाबा जी इलाज करते हैं। यहाँ आने के बाद में मैंने बाबा की शक्कर शरबत लगाई जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। बाबा चंबड़ियाल में उधर जाओ, वहाँ मिट्टी लगाओ, शक्कर और शरबत लगाओ और इससे आपकी चमड़ी का साफ हो जाएगी। जी नहीं, मुझे पता लगा पहले तो मैं यहाँ आया हूँ, अब यहाँ से जाऊँगा बिहार तो फिर बताऊँगा। यहाँ पर जो मिट्टी है इसे यहाँ पर बाबा की शक्कर जो है वो कहा जाता है, और साथ ही में यहाँ पर जो पानी है वो इस मिट्टी में जो है वो मिलाया जाता है, और इस पानी को यहाँ पर शरबत जो है वो कहा जाता है, और मिट्टी और इस पानी को बनाकर एक लेप बनाया जाता है, और उस लेप का इस्तेमाल जो है वो पूरे शरीर में किया जाता है। सबसे ताजुब की बात है वो ये है कि आज तक यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो यहाँ से अपनी बीमारी को ठीक कर कही गए हैं। दावा किया जाता है कि किस दिन के अंदर मिट्टी और पानी से बना शरबत कमाल कर जाता है। अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पर 21 दिन के लिए रुकते हैं, और कहा जाता है कि 21 दिन में जो भी उनको स्किन से रिलेटेड बीमारी है वो यहाँ पर ठीक हो जाती है। लेकिन अगर कुछ लोगों की बीमारी ठीक नहीं होती है तो वो यहाँ पर 41 दिन भी रुकते हैं, और जिस तरह की भी बीमारी यहाँ स्किन से रिलेटेड होती है वो पूरी तरह से यहाँ से ठीक करवा के जाते हैं। आस्था कहती है कि चमलियाल बाबा की दरगाह की मिट्टी और पानी का घोल बनाओ, सिर से लेकर पांव तक उसका लेप लगाओ, धूप में 6-7 घंटे तक खड़े हो जाओ, और 21 दिन तक ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद निरोग होकर घर लौट जाओ। क्या धरती के पास इंसान के किसी भी लाइलाज मर्ज को मिटाने की ताकत भी छिपी है? विज्ञान कहता है कि अपनी उत्पत्ति के बाद जीवों ने सूर्य से ऊर्जा ली होगी। शरीर को शुरू शुरू में सूर्य से चीनी मिलती रही होगी, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा गया। लेकिन कोई नहीं जानता कि इंसान का शरीर कुदरत से किस हद तक जुड़ा है। कोई नहीं जानता कि कुदरत ने चमलियाल की मिट्टी में कैसा राज छिपा रखा है। कोई नहीं जानता कि चमलियाल की मिट्टी आसपास की मिट्टी से अलग क्यों है। कोई नहीं जानता कि चमलियाल की मिट्टी डेड सी से कैसे मिलती जुलती है, जिससे इसका कोई नाता तक नहीं। कोई नहीं जानता कि एक सूखे तालाब में ज्वालामुखी के मिनरल कौन छोड़ गया,
कोई नहीं जानता कि आस्था की क्ली थेरेपी इंसान को निरोग कैसे कर देती है, लेकिन सच ये भी है कि जिस आस्था को विज्ञान अपने दायरे से बाहर करता रहा है उसमें भी विज्ञान के सूत्र तलाशे जा सकते हैं, शक्कर शरबत और शरीर के राज खंगाले जा सकते हैं। तो ये हैं आस्था के दर के दो अजूबे। माँ खीर भवानी के मंदिर में कुंड के पानी के रंग के बदलने का राज अभी राज ही बना हुआ है और चमलियाल की मिट्टी के चमत्कार को लोग आज भी सलाम करते हैं। तो आज के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।